हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यामिनी गुप्ता रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सब्जियों से भरा हुआ मैक्सिकन राइस की रेसिपी। ये हल्का सा टेंगी होता है और थोड़ा सा स्पाइसी होता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम टमाटर की प्यूरे बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 रफली चॉप प्याज और 4 लहसुन की कलियाँ। इस तरह से प्यूरे बना लेंगे। अब एक पैन में डालेंगे 1/4 कप तेल, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्ची। इसे हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। मैंने 2 प्याज लिए हैं, उसे बारीक चॉप किया है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक इसे पका लेंगे। ये पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की प्यूरे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक तेल अलग हो जाए। इसे लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे पकने में। ये देखिए कैसे तेल अलग हो गया है, मतलब टमाटर की प्यूरे जो हमने डाली थी वो पक गई है। इसमें अब हम डालेंगे वेजिटेबल्स। आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली है 1/4 कप गाजर, 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम। आप चाहें तो रेड या येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। फ्रेंच बीन्स भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच जितना। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, हम सब्जियों को अभी बहुत नहीं पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच टोमेटो केचप। ये हल्का सा इसको स्वीट फ्लेवर देगा, इसलिए हम इसे थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 कप चावल। चावल को मैंने भिगो कर नहीं रखा था, जब मैं सब्जियां सौटे करने लगी बस तब चावल को धोकर साइड में रख दिए थे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच नमक, चुटकी भर गरम मसाला। 1 कप चावल है तो 3 कप पानी डालेंगे, क्योंकि मैंने इसे भिगो कर नहीं रखा था इसलिए 3 गुना पानी डालेंगे। चावल को भी मैंने भिगो कर नहीं रखा था और सब्जियों को भी मैंने बहुत सौटे नहीं किया है, ताकि ये एक ही साथ सब कुछ पक जाए। पानी में बॉईल आने देंगे और फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप मकई के दाने, ये ऑलरेडी बॉइल्ड और फ्रीज्ड है, और 1/2 कप राजमा। मैंने इसे रात भर भिगो कर रखा था और सुबह नमक वाले पानी में 2 सीटी लगाई थी, और बाकी का जो ये पकना होगा वो अब पक जाएगा। अब इसे हम ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। लगभग 10 मिनट में ये पक जाएगा। पानी भी कढ़ाई में नहीं है, एक बार चावल को चेक कर लेते हैं। चावल भी पक गया है तो बस इसे हम सर्व करेंगे। मैक्सिकन राइस स्पाइसी नहीं होते हैं, हल्के से टैंगी होते हैं, और टोमेटो केचप की वजह से हल्का सा इसमें मीठापन भी होता है। आप इसे रात के खाने में भी खा सकते हैं, लाइट भी है और पेट भी इससे भर जाता है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।